संरचना की बात करें तो मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रधान घोषित किया गया है। केंद्र की भांति राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह स्वाभाविक है कि राज्यों में उन सभी परंपराओं को कार्यान्वित किया जाए जो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसलिए राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं करता, बल्कि उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 164 ए में यह उपबंध है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। अनुच्छेद 164 बी के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की एक सूची तैयार करता है, उस सूची के अनुरूप राज्यपाल मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर संबंधित आदेश जारी करते हैं। अब तक मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री के विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत था, किंतु संविधान के इन वाक्यों में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के व्यवस्था के बाद राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदनों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अधिनियम जुलाई 2004 से प्रभावी हो गया है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता आवश्यक क्यों है इस पे बात करें तो मंत्रिपरिषद सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक सदन के सदस्य अवश्य हों। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी गैर सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, किंतु ऐसे सदस्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य अवश्य बने। यदि वह व्यक्ति निश्चित अवधि के अंदर सदन का सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उसी समय उसे मंत्रिपरिषद से त्याग देना पड़ता है। इन वाक्यों में संविधान संशोधन के अधिनियम 2003 के अनुसार यदि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य की विधानसभा के सदस्य को उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है तो वह पुनर्मतदान तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। आप इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे नए बिहार न्यूज के साथ, और हम आपसे विनती करते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।